हाँ अभी अभी भी चलेगी। हाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयत्र च पितृवत्मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्ताये ओम श्री गुरुवे नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कक्षा में स्वागत है। आस्था साहब रीजन, आस्था जी आपको कुछ कहना है? आस्था जी आप कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बोलना है। सही आपने हैंड रेज कर दिया, रुकिए आपका हाथ नीचे कर पहले। नो सही सही। नो इट्स ओके। आप गुड सभी इवनिंग का हमारे सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस लाइव कक्षा में स्वागत है। कुछ थैंक यू बिंदुओं सो पे मच। हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर हम ज्योतिष क्यों पढ़ रहे हैं, ये पहला विषय है जो अपने मस्तिष्क में आप लोग इसको फिट कर लीजिए। ज्योतिष हम क्यों अध्ययन करें, व्हाई डू वी स्टडी ज्योतिष, और ज्योतिष के अंदर कौन कौन से विषय हैं जिस पे हमें फोकस करना है, और ज्योतिष पढ़ने के बाद हम क्या करें। तो जो मुख्य बातें होती हैं जीवन की, ज्योतिष जो है परमात्मा का प्रकाश है। ज्योति का मतलब प्रकाश, ईश का मतलब ईश्वर। ईश्वरी प्रकाश है जिसको आपको धारण करना है। जब आप ईश्वरी प्रकाश को धारण कर लेंगे, प्रकाश ज्ञान को भी कहते हैं, तो उससे होगा क्या, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, जिसको हम बोलते हैं ना सुख। मनुष्य की इच्छा क्या होती है, मनुष्य क्या चाहता है जीवन में, सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख और कठिनाइयां नहीं चाहता। नोबडी वांट सैडनेस एंड डिफिकल्टी। एवरीबडी वांट कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस हो, हमारे जीवन में कठिनाइयां कम हो। तो इसका जो साधन क्या हो सकता है, व्हाट इज द वे, किस तरीके के मानव के जीवन को खुश बनाया जा सके, सुखी बनाया जाए। तो ऋषियों ने जो अध्ययन किया उससे पाया कि मानव का जीवन जो है, आप कभी कभी ना देखियो एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो आकाशीय पिंड होते हैं, मीन्स मैटर, ऐसे समझो मैटर, इसको मटेरियल बोलते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये जो आकाशीय पिंड है, क्या इनका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? डू दे अफेक्ट यू? ये आप इस बात का अध्ययन ऋषियों ने बड़े ही व्यवहारगत रूप में किया, और ये पाया कि कोई भी सृष्टि में जो चीज उत्पन्न होती है, तो उसका पूरा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है आपको, पूरे जीवन का निर्धारण उस वस्तु के, उस जीव के उत्पत्ति के समय ही हो जाता है कि यह व्यक्ति या यह वस्तु किस दिशा में चलेगी, इसका जीवन कैसा होगा। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो इसका अध्ययन कैसे किया जाए, हाउ टू स्टडी। तो उस अध्ययन की प्रक्रिया जो होती है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी में देखिए होता यह है कि व्यक्ति चाहता है कि हम जान जाए, और प्रायर टू जान जाए, जीवन में पहले से जान जाए, उस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन ज्योतिष के अंदर करना है। जो ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं वो फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष मीन्स ग्रहों, नक्षत्रों, भाव, इन सब के आधार पे आपको व्यक्ति के जीवन का प्रिडिक्शन करना है। आपको जानना है कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जब इस समय पैदा हो तो वो किस किस दिशा में जाएगा, उसी का अध्ययन आपको ज्योतिष के अंदर करना है। और जो ज्योतिष हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक ज्योतिष पढ़ रहा है। अब इसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वैदिक ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम ऋषियों से आया है, कोई ऐसा नहीं किसी एक ऋषि का आपको पढ़ना है, ये बहुत सारे ऋषि हैं
जिनके कंट्रीब्यूशन को आपको पढ़ना है। और अगर पूरा जीवन भी आप ज्योतिष पढ़ने लग जाओ तो वो कम है, आपकी पूरी लाइफ ज्योतिष को पढ़ने के लिए कम बन जाती है। कारण क्या है? ये बहुत विस्तृत है। हम सब क्या करेंगे, कोई भी विषय जब विस्तृत हो जाता है तो उस विषय को ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा जाए, पढ़ा जाएगा, बिल्कुल पढ़ा जाएगा। अब पहला विषय जो मैंने, अब मुझे समझना, आप लोगों को जानना है कि 12 राशियां, ये आप ज्योतिष में पढ़ते हैं। दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? 9 ग्रह पढ़ते हैं। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? 12 भाव पढ़ना है। अब 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव, अब इनका मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका मनुष्य के जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसी का आपको अध्ययन करना है। और ये अध्ययन पॉजिटिव वे में करना है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम जो है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड इन द डेस्टिनी, हमारी भाग्य में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यह पूर्णतः असत्य है। हम अपना भाग्य खुद ही बनाते, दिस इज ट्रुथ। अगर आप अपने विचारों को नहीं चेक करेंगे, अब आपके पास एक कपड़ा आपने एक दिन खरीद लिया, अब उसको रोज रोज आप पहन रहे हैं, अब उसको धुलिए मत तो कपड़ा गंदा होगा कि नहीं? अब आप कह दीजिए गंदा कपड़ा पहनना हमारी डेस्टिनी है, तो गलत बात है। उसी तरह ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया, जो विचार दिए, तो शरीर की एक्सरसाइज करिए, विचारों का संवर्धन करिए। तो इन दोनों से होगा क्या? जब आप जिस भी चीज का अभ्यास करोगे वो चीज बढ़ती हुई चली जाती है। अगर आप ज्ञान का अभ्यास करेंगे ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान का अभ्यास करेंगे तो अज्ञान बढ़ेगा। तो एज अ ज्योतिषी जो आपका फंक्शन होता है, हम कभी कभी ये भी बात सोचने लग जाते हैं, व्हाट इज माई फंक्शन, हमको क्या करना है, क्या हमें लोगों का भविष्य बताना है? कभी कभी आप भी अपने जीवन में ऐसे परेशान हो जाए, मेरा भविष्य बता दें। हमें किसी का भविष्य नहीं बताना, हमें क्या करना है, हमें भविष्य को बनाना है। दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जब आप किसी का भविष्य बताते हो तो उसको कर्म से विमुख कर देते हैं। भाई उसको पता है कल वो उठेगा, उसके भोजन में, मुंह में भोजन चला जाएगा, तो उसको क्या जरूरत है काम करने की? जबकि हमें परफेक्टली वर्क क्या करना है, वी हैव टू मेक देयर डिसीजन, हमें उस व्यक्ति के भविष्य को बनाना है। जब आप किसी व्यक्ति को के भविष्य को बनाने पे लगते हैं, देन यू आर द ज्योतिष, तब आप ज्योतिष की कक्ष जो समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व करने में उस व्यक्ति की सहायता करते हो। और जब आप भविष्य को बनाने की बजाय भविष्य बताने लगते हो, तब उस व्यक्ति को आप भाग्यवादी बना देते हो। देखिए दो समस्याएं हैं जिसको आप समझ लीजिएगा, मनुष्य परेशान कैसे होता है भाग्यवादी होने से। अब वो करते हैं क्या, भाग्यवादी बन करके भोगवादी बनता है। आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को कर्मवादी बनाना है। और कर्मवादी क्या बन जाता है? योगी बन जाता है। तो योगी तो हमेशा सुखी रहेगा। योगी का तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जो जीवन में ईश्वर के सानिध्य में रहे, इज अ योगी, वही योगी कहला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि कर्म का संन्यास कभी किया नहीं जा सकता, वी कैन नॉट लीव कर्मा। कोई भी व्यक्ति कहे हम कर्मों का संन्यास कर देंगे, बिल्कुल कर्म का संन्यास नहीं किया जाता, कर्म फल का संन्यास किया जा सकता। द फ्रूट ऑफ एक्शन कैन बी सरेंडर्ड, ये सारे कर्म हम भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि हम कर्म करें ही ना। तो कर्मों में वृत्ति स्वाभाविक है। एज अ ज्योतिषी जब भी आप वर्क करने जाएं, एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। किस बात का ध्यान दीजिएगा? कि आप अपने आप को कर्म फल दाता न समझे। भगवान सबके कर्मों का फल देते हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं, वी आर ऑडिटर। जैसे एक ऑडिटर किसी भी कंपनी के अकाउंट का ऑडिट करता है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही एक ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के जीवन के कई जन्मों को ऑडिट कर देता है। और इस जन्म में क्या है उसके पास संभावना, जैसे समस्या इस बात की आती है क्या हमारा भविष्य बना बनाया है, ये बहुत बड़ा समस्या आता है। बना बनाया का मतलब उसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये समस्या आपके समझ में आएगी। तो भविष्य मनुष्य का आदमी खुद ही बनाता है, इस बात में रखें। और ये बनता कैसे? थॉट से बनता है, विचार से बनता है। विचारों को जब तक कोई ठीक नहीं करेगा उसका भविष्य ठीक नहीं होगा। अब एक ज्योतिष का बिंदु है जिसपे हम लोग फोकस करेंगे, आप लोग भी ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा।
आज हम आप लोगों को एक कुंडली दिखाते हैं। कमर सीधी करके बैठी आप लोग, गायत्री मंत्र 3 बार बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ज्योतिषी को एक अच्छा साधक होना चाहिए, एक ज्योतिषी को एक अच्छा मंत्र का जप करता होना चाहिए। जब तक वो ध्यान नहीं करेगा उसके जीवन में ज्ञान नहीं आएगा। जब तक आप स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे ना, दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकते। ये सूत्र अपने जीवन में हमेशा डाल दीजिएगा कि हमें मंत्रों का जप करना है, नहीं तो कुछ दिन काम करने के बाद अब देखिए होता क्या है, आपको हम बताएं कुंडली बनाते कैसे हैं। नवीन कुंडली पर ये देखिए, जब भी आपको कुंडली बनानी होगी तो कुछ इस तरह के फीचर्स आपके पास आएंगे। नाम होगा, सपोज कर लो व्यक्ति का नाम मैंने रख दिया सोनू। अब यहाँ पे पुरुष और महिला का ऑप्शन है, मान लीजिए पुरुष है। फिर डेट डेट डाल दीजिए इसमें, 10 तारीख डाल दीजिए, महीना डाल दीजिए इसमें, 3rd मार्च, ईयर डाल दीजिए 1982, फिर टाइम डाल दीजिए 30, 30। बर्थ प्लेस में जैसे ही आप फिर अल्फाबेट डालेंगे, जैसे मैंने लिखे KOL डाला, अभी आ गया कोलकाता बंगाल। अब कुंडली देखिए वो सही है, देखिए कुंडली खुल गई। अब इसमें जिसको जन्म कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं, वो यही है आपका। ये जो चार्ट है इसके कई नाम है, D1 भी कहेंगे, लग्न कुंडली कहेंगे, और होरोस्कोप कहते हैं इसको, जन्म कुंडली कहते हैं, ये इसी के नाम है। जो कुंडली बनती है व्यक्ति की, उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव का मतलब 12 खाने। देखिए इसमें 12 खाने, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो भाव है इसको बोलते हैं भाव, कह सकते हैं 12 भाव, 12 घर, इंग्लिश में हाउसेस कहते हैं। ये जो 12th हाउस होते हैं, 12 हाउसेस, ये व्यक्ति के पूरे जीवन का खाका है। इसमें एज ए ज्योतिषी आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। दो बातें इस हाउस, इस कुंडली के विषय में हम आपको बताएं, जिसको आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। वो ये है, ये सेंटर पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं लग्न। ये लग्न हो गया। अब आप क्या करिए, एक कुंडली ड्रॉ करिए पेन और पेपर से। प्रशांत जी आ जाइए इधर, देखिए ये है आपकी कुंडली, बनाइए। पहले दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये हो गई लग्न कुंडली। देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ये है लग्न, ये वाला पार्ट, और ये पहला घर है, पहला हाउस है, यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद जैसे आप यहां बढ़ेंगे, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा,
ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा। सर इसमें मेरा एक प्रश्न है। अभी प्रश्न के लिए ना हम लोग एक दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें प्रश्न पूछेगा, नहीं तो मेरी क्लास रुक जाएगी, हम कहीं और घूमने लग जाएंगे। और मैं हम एक दिशा में जा रहे हैं, मुझे समाप्त कर लीजिए, 40 मिनट की मीटिंग जब समाप्त हो जाती है तो अगले भी फिर हम एक बार फिर से आपको, आप लिंक पे ज्वाइन करिएगा, उस 20 मिनट में 10 मिनट हम आपकी बात सुनेंगे। ये सातवां भाव है, ये आठवां, अभी हम जो कर रहे हैं आप वही करिए, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। ये नौवां है, ये दसवां है, ये ग्यारहवां है, ये 12वां। अब इसका ये जो ऑर्डर है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, यू कैन नॉट चेंज इट, आप इस ऑर्डर को चेंज मत करिएगा। पहला भाव यही है, इसके बाद दूसरे में आप जाएंगे, इसके बाद तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें, ग्यारहवें, 12वें। कोई भी कुंडली 12 भाव से बनती है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना। कुंडली में कितने हाउसेस होते हैं? 12 होते हैं। अब ये कौन कौन से कार्य करते हैं, ये अगली कक्षा का विषय है। अभी जनरल कॉन्सेप्ट जो आप रखिए अपने में कि कुंडली जो है, जन्म कुंडली जो बनती है उसमें 12 भाव होते हैं। लग्न क्या होता है? जो पहला घर होता है वही लग्न होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लव, लग्न पहला हाउस। अब इसके बाद का विषय है, ये है कि जो 12 राशियां होती है उसको आप समझिए। महोदय जी, हाँ जी, हाँ जी, ये डिस्प्ले में सिर्फ माने कि 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक डिस्प्ले हुआ है, राइट साइड वाला दिखाई दिखाई दे ही नहीं रहा था अभी तो। आपके यहाँ क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे ख्याल से सबके में ऐसा होना चाहिए, आप जैसे अभी ध्यान आप से वन देखिए। टू थ्री फोर लिखे नहीं, हैं नहीं, वो पूरा क्लियर दिख कट रहा रखे है, हैं। पूरा दिख, पूरा आप दिख रहा है ना स्क्रीन। मेरी बात ध्यान छोटा से करिए समझिए, स्क्रीन। आप सभी लोग म्यूट कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेटवर्क का इशू अगर आपको आ रहा हो तो बिल्कुल घबराइए मत, इस क्लास की वीडियो हम डालेंगे। मेरे लैपटॉप में जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं मुझे चेक कर लेने दीजिए रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन थी क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो वो सभी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में आए, आपकी सारी समस्या का निराकरण वीडियो कर देगा। ये क्लास जो हम चलाते हैं वो एक शेड्यूल में चलाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। 40 मिनट हम पढ़ाते हैं, बीच में मत बोलिएगा। 20 दोबारा हम आपको फिर दोबारा फिर से उसी लिंक पे ज्वाइन करिएगा, हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जूम की मीटिंग 40 मिनट में बंद हो जाएगी। और वो 20 मिनट के सेशन में हम खुद ही आपसे बात करेंगे, आपको हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही खुद ही आपसे पूछेंगे, रमन जी आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। कारण क्या है कि अगर इस 40 मिनट में हम आपसे बात करेंगे तो हम आपको कुछ पढ़ा नहीं सकते। अब जब हम 40 मिनट में आपको पढ़ा लेंगे, और जो ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी है वो डे टू डे यूज में नहीं आती, जैसे डॉक्टर की मेडिसिन का नेम डे टू डे यूज में नहीं आता, वैसे ही हमारी टर्मिनोलॉजी लोगों के समझ में नहीं आएगी, सिर्फ ज्योतिष ही समझता है। इसको जब बार बार आप पढ़ेंगे, एक ही चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो उससे होगा क्या कि आपको स्पष्टता आ जाती है। जैसे अगर कोई पूछे कुंडली में कितने भाव है, 12 भाव होते हैं, काम खत्म हो, उसको दिमाग में लगाओ, 12 भाव बता दिया। अब किस किस भाव का क्या उपयोग है, ये अगली कक्षा का विषय है, इसको अगर यहां समेटेंगे ना तो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा हमको, हम लोगों को समझना है वो है राशियां। राशियों के विषय में विस्तृत जानकारी, मतलब समझ होनी चाहिए ये बनती कैसे। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मांड, इसको सर्कुलर अज्यूम कर लिया जाता है, ऐसा होता नहीं। अब अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो ये एंगल हुआ 360 डिग्री का आपका, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करो। चलिए इसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। ये हो गए 4 पार्ट, 4 पार्ट, फिर एक और आगे करते हैं हम। ये देखो, अब 360 डिवाइड बाई 12 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। एक राशि का जो मान होता है वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ज्योतिष के कुछ मैथमेटिकल पार्ट है जो स्पेसिफिक है, कोई बदल नहीं सकता। तो ये सारे पार्ट आपके ब्रेन में होने चाहिए कि 1 डिग्री कितने कि एक राशि जो है इक्विवेलेंट कितनी की होती है, 30 डिग्री कैसे होती है, क्योंकि हमने क्या किया है पूरे यूनिवर्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली अपने अध्ययन के लिए। सो एक राशि 30 डिग्री होगी।
अब दूसरा विषय आप इसको समझिए, जो पहले नंबर की राशि होती है फर्स्ट, ये इसको बोलते हैं मेष राशि। अब एक विषय मैं आपको बता रहे हैं, उसको दिमाग में समझ लीजिएगा। ये जो मेष है ये अक्षर में लिखा हुआ है, अल्फाबेट में है, सिंबल, इसका सिंबल अल्फाबेट है, बट जब हम कुंडली पढ़ने जाएंगे तो ये कहीं नहीं लिखा होगा, लिखा होगा नंबर 1। तो कुंडली में जहां एक नंबर लिखा हो उसको दिमाग में समझना, ये मेष राशि है। और राशियों को नंबर्स हिंदी में और इंग्लिश में तीनों भाषा वे में आप अपने ब्रेन में रखिए। मेष मीन्स एरीज। इससे होगा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इसका बेनिफिट ये है कि जब आप चार्ट रीड करोगे सो आपको प्रेडिक्शन में आसानी होगी, फलादेश करने में आसानी होगी, क्योंकि इस राशि का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया था शुरू में ना, हम लोग 12 राशियों, 9 ग्रहों और 12 भावों को मिला करके मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, यही है ज्योतिष। अब एक नंबर की राशि मेष होगी, दूसरे नंबर की राशि क्या होगी? सेकेंड नंबर की राशि वृषभ, थर्ड नंबर की राशि मिथुन, फोर्थ नंबर की राशि कर्क, फिफ्थ नंबर की राशि सिंह, सिक्स नंबर की राशि कन्या, सेवन नंबर की राशि तुला, एट नंबर की राशि वृश्चिक, 9 नंबर की राशि जो होगी धनु होगी, 10 नंबर की राशि मकर, 11 नंबर की राशि कुंभ और 12 नंबर की राशि जो होती है मीन होती है। तो ये हमारी 12 राशियां होंगी। आपको क्या करना है, एक पेज पे इसको लिख लीजिए अपने सामने, 1 से लेकर 12 नंबर, और उसके सामने इन राशियों को लिखिए। याद बिल्कुल मत करिएगा, कभी भी ज्योतिष में याद करने का बिल्कुल प्रयास नहीं मत करिए, नहीं तो आपको ज्योतिष जीवन में नहीं आएगा। समझने का प्रयास करिए और तकनीक का यूज करिए कि अपने पास अपने टेबल के बगल में 12 राशियों के नाम लिख कर रख लीजिए। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोशिश मत करिएगा कि हमको राशियों के नाम नहीं याद कर हो रहे हैं, हम क्या करें, हमको कुछ नहीं करना, हमको ज्योतिष पढ़ना है, हमको ज्योतिष जानना है, ना कि राशियों का नाम याद करना है। बहुत सारी जानकारियां जो है मनुष्य जो है अभ्यास से सीखता है, तो जब तक आप ज्योतिष में भी अभ्यास नहीं करेंगे नहीं आने वाली। सो कभी भी याद करने का प्रयास मत करिएगा। कोई आपको कहे कि राशि के नाम बताओ, याद नहीं हो रहे, बिल्कुल घबराइएगा मत, हमें राशि के नाम याद नहीं करनी, मुझे ज्योतिष की प्रैक्टिस करनी है। जब आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे 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 आपके जीवन का पार्ट हो जाएगी। जब आपके ये जीवन का पार्ट हो जाती है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो ये करना है, याद नहीं करना है, इसको बना लीजिए। अब दूसरा, ये जो राशियां होती हैं, राशियों हो गए घर, देखिए पहले नंबर की राशि मेष, दूसरे नंबर की राशि वृषभ, तीसरे नंबर की राशि मिथुन, चौथे नंबर की राशि कर्क, पांचवें नंबर की राशि सिंह, छठे नंबर की राशि कन्या, सातवीं राशि हो गई तुला, आठवीं राशि हो गई वृश्चिक, नौवीं राशि हो गई धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। देखिए मैंने 12 राशियां लिखी। अब इन राशियों के स्वामी होते हैं, जैसे होता नहीं कि आपके पास घर है, घर का मालिक कौन है, तो इन राशियों के स्वामी एक ग्रह को बनाया जाता है। एक चीज आप हमेशा समझ लीजिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, हम साइंस में पढ़ते हैं कि सूर्य की स्टार है, बिल्कुल सूर्य स्टार है, कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पर जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो इनको हम प्लैनेट की कंडीशन में काउंट करते हैं। राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, दे आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑर्बिट। सो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ज्योतिष पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पर स्टडी इन द साइंटिफिक वे। क्यों? क्योंकि आज का युग जो है विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में हर ज्ञान आपके पास तर्क के आधार पर सही होना चाहिए। तो जब कोई भी ज्ञान तर्क के आधार पर सही होता है ना, पीपल से दिस इज वेरी गुड। अब होता क्या है, सूर्य, अब इन सारे हाउसेस में अगर आप चेक करो तो सिंह राशि का मालिक सूर्य है। सिंह राशि जो होती है उसका ओनरशिप सूर्य के पास, सिंह राशि यहाँ है, इसका मालिक हुआ सूर्य। अब आगे बढ़िए, ये जो कर्क राशि है इसका मालिक है चंद्रमा,
ठीक है, बाकी की जितनी राशियां हैं उनके माल दो दो राशियां एक एक ग्रह के पास है। अगर आप मेष राशि को देखेंगे, मेष मेष राशि, इसका स्वामी है मंगल, और वहीं वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल। सो मंगल के पास दो हो गए, मेष राशि और वृश्चिक राशि। वृषभ जो है इसकी ओनरशिप आती है शुक्र के पास, और ठीक अगर आप इसमें देखेंगे तुला राशि का भी स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वहीं कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। नीचे आइए, धनु और मीन, ये जो दो राशियां हैं इनका स्वामित्व गुरु के पास है, जुपिटर। मकर और कुंभ, इनके स्वामी शनि है। सो एज ए ज्योतिषी देखिए, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, 12 राशियां। 12 राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये 12 राशियां हैं। अब इनको याद करने का क्रम क्या होता है? राशियों को नंबर के साथ याद करिए। अब एक नंबर वाली राशि कौन सी है? मेष है। दूसरे नंबर वाली राशि कौन सी है? वृषभ है। तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन है। चौथी कौन है? कर्ण कौन है? कर्क है। पांचवी कौन है? सिंह है। छठी राशि कन्या है। सातवीं तुला है। आठवीं वृश्चिक है। नौवीं धनु है। दसवीं मकर है। 11वीं कुंभ है। और 12वीं, इन 12 राशियों में दो राशियां ऐसी हैं जो अकेले अकेले ग्रह की स्वामी है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य जो है अपनी ओनरशिप जो है सिंह राशि के पास, और चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी। तो जब सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ, चंद्रमा कर्क, और बाकी के जितने ग्रह हैं उनके पास दो दो राशियां हैं, ये दिमाग में रखिए। मेष राशि का स्वामी मंगल है, अब मेष के मंगल के पास एक और ग्रह है, एक और राशि है, दैट इज वृश्चिक। वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र के पास एक और राशि है तुला। उसी तरह बुध के पास जाएंगे तो बुध के पास मिथुन राशि है और कन्या राशि है। शुक्र के पास हम लोगों ने पढ़ लिया धनु और मीन, ये जो है गुरु की राशियां हैं, और मकर और कुंभ शनि की राशि है। अब करते क्या है देखिए, यह सूर्य देखोगे, ये दूसरा है चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और नौवां केतु। इनके पास ये देयर इज नो ओनरशिप, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं, ये लोग छोड़े गए हैं। अब सूर्य को देखेंगे नंबर्स में, ये 5 नंबर वाली राशि का स्वामी, सिंह जो है 5 नंबर में आया था। देखिए चंद्रमा के पास 4 नंबर है, मंगल के पास कौन सा है? 1 नंबर और 8 नंबर है। 1 नंबर हुआ मेष राशि, 8 नंबर हुआ वृश्चिक राशि। बुध के पास किसका स्वामित्व है? बुध के पास 3 नंबर वाली राशि और 6 नंबर वाली राशि। 3 नंबर वाली राशि है मिथुन और 6 नंबर वाली राशि है कन्या। गुरु के पास 9 नंबर और 12 नंबर है। 9 नंबर वाली राशि धनु, 12 नंबर वाली राशि मीन। शुक्र के पास 2 नंबर और 7 नंबर है। 2 नंबर वाली राशि है वृषभ, 7 नंबर वाली राशि है तुला। शनि के पास 10 और 11। सो ये जो क्रम है, दिस शुड बी, याद नहीं करना इसको, हमेशा याद करना, ज्योतिष पढ़ते वक्त हमेशा याद रखना, याद नहीं करना, क्योंकि जैसे ही कहोगे याद करना है कठिन लगेगा, मुझे याद नहीं करना चाहिए। इसको लिखने का प्रयास करिए, बार बार लिखिए। अब जब आप लिखेंगे तब आपको समझ शक्ति विकसित हो जाएगी कि हम इसको पढ़ें कैसे। मेरे और इस वीडियो को ना 3-4 बार देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। जो राशियां होती हैं वो हम लोगों ने 12 राशियां पढ़ी थी, देखिए हर राशि का एक अलग तत्व होता है, राशि का तत्व उसके ऊपर, तत्व का मतलब किसी वो बना है। तो राशि का जो तत्व होता है, तत्व 4 होते हैं,
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चार तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, समझिए इसको। एक नंबर वाली राशि अग्नि तत्व की है, दो नंबर वाली राशि पृथ्वी तत्व की है, तीन नंबर वाली राशि वायु तत्व की है, और चार नंबर वाली राशि जल तत्व की है। पांच नंबर वाली राशि अग्नि तत्व की, छह नंबर पृथ्वी, सात नंबर वायु, आठ नंबर जल, फिर नौ नंबर अग्नि, 10 नंबर पृथ्वी, 11 नंबर वायु, 12 नंबर जल। अगर इन राशियों के हम नाम लिखेंगे तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये सभी अग्नि तत्व के होंगे। आप लोगों के पास पेन पेपर है? नहीं है तो अपने पास एक पेन पेपर रखा करें। कारण क्या है कि जितना हम लिखेंगे वो हमारी याददाश्त को और मजबूत कर देगा, बिना प्रयास के हमें ज्योतिष जो है हमारे अंदर जो है प्रवेश कर जाएगा। जैसे अगर आप मुंह खोले, एक गिलास पानी डाले, बिना प्रयास के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल करती है। उसी तरह जहां हमारा ध्यान होगा वही हमारे जीवन में होगा। ध्यान का एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है। दो नंबर वाली राशि वृषभ है, 6 नंबर की कन्या है और 10 नंबर की मकर हो गई, 3 नंबर वाली मिथुन हो गई, 7 नंबर वाली राशि तुला हो गई और 11 नंबर वाली राशि कुंभ, 4 नंबर वाली राशि कर्क, 8 नंबर वृश्चिक और 12 नंबर मीन। तो देखिए, हम लोगों ने कोई इसमें त्रुटि है? नहीं, हम लोगों ने राशियों को भी पढ़ लिया। अब इतनी बार अगर आप लिख लें तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 3-4 बार आप लोग लिखेंगे तो कोई पूछेगा 6 नंबर वाली राशि कौन सी है, तुरंत आप बता देंगे कन्या राशि है, 7 नंबर वाली राशि कौन सी है, तुला राशि है। तो कभी भी प्रयास मत करिए कि हम प्रयास करें पहाड़े की तरह, दुखा दुदरी चार दुखिया चार, ऐसे करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और 2 × 2 = 8 आ जाएगा, क्योंकि याद भूल जाती है और समझ हमेशा याद रहती है। और याददाश्त के इस स्तर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं जहां हमें समझ से ही काम लेना है। जितना आप समझेंगे उतना ही आपका जीवन स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा और उतना ही आप सीखते हुए चले जाएंगे। और हर मनुष्य जो है जीवन पर्यंत सीखता है, द होल लाइफ इज लर्निंग, पूरा जीवन सीखना है भाई। अभी भी आप देखिए कि हम लोगों को जो सीखना चाहिए था वो जीवन में हमने नहीं सीखा। कारण क्या है? वो कहीं विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता। और इसके बाद क्या समस्या खड़ी होती है? हमारा जीवन किस दिशा में चला जा रहा है हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ चले जा रहे हैं। जब आपको खुद ही नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं तो कहाँ जीवन जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जो मानव के जीवन की दिशा होती है, अब देखिए इसमें अगर इसको आप साइंटिफिकली देखें तो कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उसका डिपिक्शन, मतलब वो क्या शो करते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं दो को आप समझिए। सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है और चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन है। अब किसी भी होरोस्कोप में, किसी भी कुंडली में अगर आप ये देख लें कि व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, उसकी आत्मा जरूर कमजोर होगी। आत्मा का कमजोर होने का मतलब एनर्जी लेवल काफी लो होगा, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जो प्राणवान व्यक्ति होते हैं वो महाराणा प्रताप की तरह होते हैं, परिस्थिति में उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कहा घास की रोटी खाएंगे पर मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। ये आत्मा की शक्ति है भाई। मन क्या है? अब चंद्रमा व्यक्ति के मन को डिपिक्ट करता है। एक मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत स्ट्रांग माइंड का होगा, छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करेंगे। आप अपने जीवन में खुद भी देख लीजिए, एक ही बात दो लोगों पे अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति उसे शांति से सुन लेता है, दूसरा उत्तेजित हो जाएगा। तो जो उत्तेजना है ये कमजोर मन का लक्षण है और जो शांति है वो स्ट्रांग माइंड का लक्षण है। ये मीटिंग अभी समाप्त होगी, आप लोग जाइए मत, फिर ट्राई करिए। तो ये दोनों चीजें जब आप चार्ट में रीड करोगे, तो अगर आपने किसी व्यक्ति का गाइड गाइड कर दिया कि भाई देखो आपका सूर्य कमजोर है, आप गायत्री उपासना करो, सूर्य को जल दो, तो निश्चित रूप से अगर वो इस बात को फॉलो करता है तो जैसे ही 15-20 दिन उसने किया उसकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। भाई प्रयास से ही जीवन में सफलता मिलती है। जैसे ही आत्मा मजबूत हुई तो क्या हुआ, उसके निर्णय अच्छे होंगे।
इवन चंद्रमा कमजोर हो, वो बेचारा हर छोटी छोटी बात से विचलित हो। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, अब मैं क्या करूं?